Assalamualaikum K4, hope you all are fine. K4, welcome to our lecture number 9 of SST. K4, हमारे प्रीवियस तमाम लेक्चर में हमने अपना सिलेबस फर्स्ट टर्म का कंप्लीट कर लिया है. आज लेक्चर नंबर 9 में हम इसकी रिवीजन करेंगे. मैं आपको सारे जितने भी हमारे नोट्स थे वो शो करूँगी इस वीडियो में, और आपने अपनी नोटबुक के साथ उन्हें टैली करना है. जो भी काम आपकी नोटबुक पे सॉल्व नहीं हुआ, आपने देखकर उस लेक्चर के अकॉर्डिंग अपना काम कंप्लीट कर लेना है. K4, हमारा लेसन नंबर 1 था, वो सिर्फ एक जनरल टॉपिक था. लेसन नंबर 2 था सिटीजनशिप यानी शहरियत. इसकी हमने रीडिंग और एक्सप्लेनेशन की थी, और इसकी एक्सरसाइज में हमने K4 आपको एक्सरसाइज शो करवाई गई है. K4 आपका क्वेश्चन नंबर 1 था आपके लेसन नंबर 1 का, फिल इन दी ब्लैंक्स. K4 आपको 3 फिल इन दी ब्लैंक्स करवाई गई थी इस लेक्चर में. शॉर्ट क्वेश्चंस एंड आंसर्स करवाए गए थे. आपके लेसन नंबर 1 में 2 शॉर्ट क्वेश्चन थे. फर्स्ट क्वेश्चन था, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ सिटीजनशिप, जिसका आंसर था, अ पर्सन इज यूजुअली अ सिटीजन ऑफ द कंट्री इन विच ही इज बोर्न एंड वेयर ही इंजॉयज सोशल इकोनॉमिकल एंड पोलिटिकल राइट्स एंड बाउंड टू परफॉर्म ऑल ड्यूटीज. क्वेश्चन नंबर 2 था आपका, हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू प्रोवाइड राइट्स टू द सिटीजन्स. इसका आंसर है K4, इट इज गवर्नमेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोवाइड राइट्स टू द सिटीजन्स. K4 आपके गिव आंसर्स इन डिटेल यानी लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स हैं, जिनमें से हमने क्वेश्चन नंबर 1 था, हु इज डिजिटल साइबर सिटीजन, व्हाट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिजिटल साइबर सिटीजन. K4 इसका आंसर कुछ इस तरह से था, अ सिटीजन हु मेक्स एफिशिएंट यूज ऑफ द इंटरनेट एंड अदर डिजिटल मीडिया टेक्नोलॉजी टू पार्टिसिपेट इन सोशल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज इज कॉल्ड डिजिटल सिटीजन. K4 आपकी ये 5 रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं डिजिटल सिटीजन की. K4 इन 5 रिस्पॉन्सिबिलिटीज को आपने अपनी कॉपीज पे राइट करना है, बिल्कुल उसी तरह से जैसे मैंने आपको सॉल्व करवाया था क्वेश्चन. ये आपका एक ही क्वेश्चन है जो चैप्टर नंबर 1 में आपको दिया गया है. आपके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स आपके फर्स्ट चैप्टर में फिल इन द ब्लैंक्स थी, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स मौजूद थे. K4 ये कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो आपको दिखाई गई हैं. K4 आपने बिल्कुल इसी तरह से, अगर आपके पेपर में ये क्वेश्चन आ जाता है तो आपने इसी तरह से सॉल्व करना है जैसा कि आपको यहाँ पर शो करवाया गया है. K4 हमारा लेसन नंबर 2 है डाइवर्सिटी एंड टॉलरेंस, जिसकी हमने रीडिंग और एक्सप्लेनेशन की थी. K4 इससे रिलेटेड एक्सरसाइज में जो कुछ है वो मैं अभी आपको डिटेल में बताऊँगी, आपने अपनी कॉपी के साथ उसे टैली करना है. K4 आपका लेसन नंबर 2 है डाइवर्सिटी एंड टॉलरेंस, उसका क्वेश्चन नंबर 1 था जो हमने अपनी नोटबुक पे किया था, चूज द करेक्ट आंसर्स यानी MCQs. K4 चूज द करेक्ट आंसर्स का मतलब है कि आपको 2 या 3 आंसर्स दिए गए होते हैं, उनमें से आपने करेक्ट वाले को चूज़ करके उस पर निशान लगाना होता है. K4 चूज द करेक्ट आंसर्स में हमने 3 ऑप्शंस आपने की थी, 3 यानी क्वेश्चंस कहने या ऑप्शंस थी. 2 यहाँ पर शो करवाई गई हैं, 1 नेक्स्ट वर्कशीट पर शो करवाई गई है. K4 ये आपकी नेक्स्ट वर्कशीट है. K4 इसके साथ ही आपको क्वेश्चन नंबर 2 था ट्रू फॉल्स, जिसमें दुरुस्त और गलत का आपने टिक लगाने थे, ट्रू और फॉल्स राइट करना था. ये भी आपके 3 पॉइंट्स थे. K4 नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन था वो मैथ्स की कॉलम का था. आपको 4 पॉइंट्स दिए गए हैं, आपने मैथ्स कॉलम करने थे. ये आपका मैथ्स से कॉलम का क्वेश्चन था. K4 आपको डाइवर्सिटी एंड टॉलरेंस लेसन नंबर 2 के क्वेश्चंस एंड आंसर्स करवाए गए हैं, आपने शॉर्ट आंसर्स देने हैं क्वेश्चंस के. क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 आपको शो करवाया गया है. फर्स्ट क्वेश्चन था, राइट द डेफिनेशन ऑफ पीस, जिसकी डेफिनेशन है, पीस मीन्स हार्मनी, पीस क्रिएट्स एन एटमोसफेयर ऑफ ट्रस्ट रिस्पेक्ट एंड कामनेस इन आर सोसाइटी. क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, राइट द डेफिनेशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, आंसर है आपका, डिसएग्रीमेंट्स डेट अराइज एज अ रिजल्ट ऑफ डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन एंड प्रिंसिपल्स बिटवीन पीपल आर कॉल्ड कॉन्फ्लिक्ट. K4 आपको क्वेश्चन नंबर 3 है, वट इज़ द बेस्ट वे टू रिजोल्व कॉन्फ्लिक्ट, तो इसका आंसर है, ऑल काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट मस्ट बी सोल्व विद पीस इन डायलॉग. क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट 3 एथिक्स ऑफ सिविक सेंस, आंसर है इसका, टेक केयर ऑफ द क्लीनलीनेस एंड इम्प्रूव द इन्वायरमेंट. नंबर 2 है, अबाइड द ट्रैफिक रूल्स. नंबर 3 है, टेक केयर ऑफ हाइजीन.
क्वेश्चन नंबर 5 है, राइट एनी टू कॉमन एटिकेट्स. तो इसका आंसर है, डोंट से बैड थिंग्स टू एनीवन एंड ट्रीट एवरीवन विद रिस्पेक्ट. के 4 लॉन्ग क्वेश्चंस एंड आंसर्स हैं, आपने डिटेल में क्वेश्चन का आंसर देना है. क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, राइट द डेफिनेशन ऑफ डाइवर्सिटी एंड हाउ डाइवर्सिटी इज हेल्पफुल फॉर हैप्पीनेस ऑफ सोसाइटी. के 4 इसका आंसर है, आपने पहले हेडिंग देनी है डाइवर्सिटी की. डाइवर्सिटी की डेफिनेशन राइट करनी है, जो है, ह्यूमन बींग्स हैव अ बेसिक डिफरेंस विच डिफरेंशिएट्स पीपल इनटू वेरियस क्लासेस इन टर्म्स ऑफ जेंडर रेस क्लास एथनिसिटी एंड सो ऑन. दिस इज कॉल्ड डाइवर्सिटी. के 4 इसके बाद आपने हेडिंग देनी है, रोल ऑफ डाइवर्सिटी इन द हैप्पीनेस ऑफ सोसाइटी. के 4 इसके बाद कुछ पॉइंट्स आपको दिए गए हैं, इन पॉइंट्स को आपने याद करना है. इट हेल्प्स अस अंडरस्टैंडिंग दैट ईच इंडिविजुअल इज यूनिक. इट प्रमोट्स टॉलरेंस एंड अंडरस्टैंडिंग बिटवीन डिफरेंट कल्चर्स. इट एनरिच्स आवर कम्युनिटी बाय शेयरिंग एक्सपीरियंसेस विद डिफरेंट पीपल. इट अट्रैक्ट्स मोर मनी टू आवर इकोनॉमी थ्रू द ग्रोथ ऑफ डिफरेंट बिजनेस. के 4 बिल्कुल आपका कि लेसन नंबर 2 डाइवर्सिटी एंड टॉलरेंस यहाँ पे ख़त्म हो गया, जिसके अंदर हमने MCQs, ट्रू फॉल्स और कॉलम मैचिंग का काम किया था. इसके साथ ही हमने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स एंड लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स सॉल्व किए हैं. के 4 हिस्ट्री आपका 3rd चैप्टर था, जिसके अंदर हमने MCQs किए थे. 2 MCQs आपके सामने हैं. के 4 इसमें हमने 3 MCQs सॉल्व किए थे. इसके बाद हमने ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन किया था, इसके भी 3 पॉइंट्स थे. के 4 क्वेश्चन नंबर 3 हमारा मैचिंग कॉलम था, हमने दोनों कॉलम्स को आपस में मैच करना था. के 4 शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर्स थे. नंबर 1 है क्वेश्चन, व्हाट इज मीनिंग ऑफ हिस्ट्री. इसका आंसर था, हिस्ट्री मीन्स द स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट्स इन ह्यूमन अफेयर्स. क्वेश्चन नंबर 2 है, विच सिविलाइजेशन इज कॉल्ड क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशंस. आंसर था, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन इज कॉल्ड क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन. क्वेश्चन नंबर 3 था, हु वाज फिरोज. आंसर था, फिरोज इज द कॉमन टाइटल यूज्ड फॉर द मोनार्क्स ऑफ इजिप्टियन सिविलाइजेशन. के 4 नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन था, गिव आंसर्स इन डिटेल्स. क्वेश्चन नंबर 1 था, व्हाई डिड वर्ल्ड फर्स्ट सेटलमेंट ग्रो अलोंग रिवर्स, एक्सप्लेन. जिसका आंसर आपके सामने है. के 4 आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन. के 4 इसका आंसर है, इंडस वैली सिविलाइजेशन कंसिस्ट ऑफ 2 मेजर सिटीज, हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो. दे वर द मोस्ट डेवलप्ड एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड सिटीज. के 4 इसके पॉइंट्स हैं, 1, 2 तमाम पॉइंट्स आपको शो किए गए हैं. के 4 आपने पेपर में अगर ये क्वेश्चन दिया जाता है तो इसी तरह से पॉइंट्स के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है. के 4 यहाँ पर हमारा सिलेबस कंप्लीट हो गया है, हमने चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 कंप्लीट आपसे डिस्कस किया है. के 4 उम्मीद करती हूँ कि आज आपको रिवीजन में टैली आपने अपना सारा का सारा काम टैली कर लिया होगा अपनी नोटबुक्स के साथ, और जो भी काम आपके पास मौजूद नहीं है पीडीएफ फाइल में आपको व्हाट्सएप किया गया है, आपने उस पीडीएफ फाइल के अकॉर्डिंग अपना सारा काम कंप्लीट करना है. थैंक यू के 4, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग. Thank you, K4. Allah Hafiz.